नमस्कार श्रोताओं। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में सेहत से जुड़ी और खास करके महिलाओं पर, तो इसीलिए हमने आज का विषय लिया है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजर। ये आई थिंक बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हो सकता है इस प्रॉब्लम के बारे में या इसके बारे में ना पता हो, इसीलिए हम आपको इस विषय पर पूर्णतः जानकारी देंगे। और सबसे पहले डॉक्टर, हम IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहेंगे। देखो, आप इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसका फुल फॉर्म, फुल नेम है जी, तो ये IVF के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जो लोगों को काफ़ी को जो ये पता है, IVF से ज़्यादा पता है जी। IVF का मतलब होता है, आपने बेबी जो इनिशियल स्टार्टिंग है, बेबी की जो ग्रोथ है वो बाहर करनी है। वैसे तो नॉर्मली इन वीवो होती है, कहने का मतलब अंदर बॉडी के होती है जी। एग निकला फीमेल के ट्यूब में से, गया ओवरी से, ट्यूब में से गया, बच्चेदानी के अंदर आया, वहाँ पे स्पर्म से मिला, और उससे पहले स्पर्म से मिल जाता है तो मिलने के बाद थोड़ा एम्ब्रियो बन जाता है जी, जिससे हम कहते हैं फीटस बनने की कोशिश होती है। वो एम्ब्रियो करते करते थोड़ी ट्यूब में बनना शुरू हो जाता है, आके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। okay. किसी भी जगह जी, आगे पीछे, लैटरल साइड्स में, लेटरल, ऊपर, जहाँ भी, दैट इज़ अ नॉर्मल ग्रोथ जो इन वीवो होती है। जो इन विट्रो होती है उसमें ऐसे होता है कि बेबी की ग्रोथ ही बाहर करवाई जाती है लैब में। ओके, इन द टेस्ट ट्यूब जो शुरू हुआ था, टेस्ट ट्यूब बेबी जो शुरू कंसेप्ट हुआ था बड़े साल पहले, जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, वो टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो, मतलब कहने का मतलब टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो, मतलब इट वाज इन द डिशेस जी, जो ओवा और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनता है उसको ग्रोथ होते देखना है। और कुछ स्टेज में, जब कुछ स्टेज तक पहुंच जाता है उस ग्रोथ तक, मल्टी सेल स्टेज तक, फिर उसको अंदर इम्प्लांट किया, मतलब अंदर बच्चेदानी में छोड़ देते हैं उसको। ओके, उससे पहले बच्चेदानी प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस पे टिक जाए जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज और इन विट्रो फर्टिलाइजर, क्या ये कुछ कहीं ना कहीं सेम है? सेम। ओके, तो दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, क्योंकि आई थिंक ये भी आपने बहुत सही बात बताई डॉक्टर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उनको लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज पता नहीं कैसे होते हैं, वो शायद टेस्ट ट्यूब में जी जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक धारणा सी बनी हुई, क्योंकि नाम से उनको लगता है कि ये शायद ऐसा ही होगा, बाहर से बच्चा ग्रो किया जी जी जी, वो उनको लगता है कि ये उनका बच्चा नहीं है, ये कहीं और से आया हुआ है बच्चा है, और ये इनके पेरेंट्स का, मतलब खुद का बच्चा नहीं है। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने IVF के बारे में बताया कि क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है, एक चीज और, जैसे क्यों करवाया जाता है, एक हर चीज के पीछे हम सबसे पहले ये भी जानते हैं कि क्यों करवाया जाता है। एक्चुअली ये नॉर्मली करवाया इसलिए जाता है, जो नॉर्मली नॉर्मल तरीकों से बच्चा कंसीव नहीं कर पाते, जिनमें कोई ट्यूब्स ख़राब हैं और ट्यूब्स ख़राब होने की वजह से एग आ ही नहीं सकता अंदर बच्चेदानी में, अंडेदानी से एग यूट्रस में कैसे आएगा, उसके पास एग्स पड़े हैं जी, पर ट्यूब्स ख़राब हैं तो अंदर आ नहीं सकता जी, तो फिर क्या करेंगे। हाँ जी, तो आई थिंक डॉक्टर, हम ये कह सकते हैं एक अपनी आम भाषा में कि जिन लोगों को या जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, कंसीव वैसे जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉक। ओके, जो कंसीव नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाती, ट्यूब ब्लॉक है, कंसीव नहीं कर पाती थी, तो उनको होती। हाँ, उनको हम ये IVF कंसेप्ट देते जी, मतलब एक या जिनको मेल्स में ऐसे होता था जिनको सीमन पैरामीटर्स बहुत ही डिरेंज्ड है, जैसे 5 मिलियन से कम है, पहले तो 5 मिलियन था, आजकल 1 मिलियन से कम है। okay. तो 1 मिलियन नॉर्मली जो स्पर्म्स होते हैं 60 to 120 मिलियन होते हैं। ओके, ठीक है, तो पर ml, तो उससे भी कम, मतलब काफी कम, 5 था, तो अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो 1 मिलियन आ गया। 1 मिलियन से कम स्पर्म्स हो तो उनको एडवाइस करते हैं कि आप बच्चा बाहर ग्रो करके अंदर बच्चेदानी में रखवा लो जी। एंड आई थिंक ये डॉक्टर नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छा आपने IVF करवाया तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो तो जितने भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जितने भी और गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं, या जेंट्स भी अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आई थिंक आप ये जानकारी जो है, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं सुना है उनको आप बता सकते हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है, और मान लीजिए जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, किसी भी, जैसे डॉक्टर ने बताया कोई ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस चीज़ में या उस स्थिति में आप IVF की तरफ जा सकते, IVF की तरफ रुक कर सकते हैं, और ऐसे में आई थिंक आपको बेस्ट गाइडेंस जो है आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं, आप डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, इसीलिए हमने अपने रेडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देने की सोची, ताकि आप इसकी तरफ भी सोच सकते हैं और ताकि आप टेंशन में ना आए। तो डॉक्टर, एक चीज़ का जैसे आपने बताया कि ये क्यों करवाया जाता है, डॉक्टर क्या ये सेफ रहता है?
क्योंकि देखिए जब भी कोई महिला ये चीज किसी भी सेकंड ऑप्शन की तरफ जाती है तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज भी रहती है कि क्या ये सेफ रहेगा, क्या महिला को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओनली अपना ही बच्चा है वो अंदर रखते थे अंडेदानी में उसे पहले प्रिपरेशन कर देते वो ग्रो कर जाता है जी, तो मतलब बहुत सेफ प्रोसीजर है, बहुत सेफ प्रोसीजर। ओनली द थिंग इज हाँ बाहर बच्चा ग्रो करना ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो लैब की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, इतनी आइडियल हों कि वो अच्छा बच्चा ग्रो करे ताकि वो अंदर टिक जाए। जी जी, एक चीज और डॉक्टर हम जानना चाहेंगे, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी आपने जैसे बताया था ब्रेक पर जाने से पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो क्या बिल्कुल 100% ये सेफ रहते हैं या कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस फिर भी हो सकती है? होता तो 100% सेफ है पर जी प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी रेट इतने 100% नहीं होती है जितना कि आप समझते हो भी वो कैरी आउट, दैट इज ओनली 30-35 एट द मोस्ट 40। ठीक है 40 बहुत इन वेरी गुड हैंड्स एंड वेरी इंग्लैंड वगैरह में जो IVF सेंटर्स हैं जो वहाँ पे है तो वहाँ पे होती हैं, तो यहाँ पे तो 30-35% रेट होता है करवाने का, मतलब नहीं नहीं कंसीव होने का, कंसीव होने का 100 पेशेंट्स के एम्ब्रियोज रखे 35 ही सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो मतलब आई थिंक अगर हम 75 तो रह जाते हैं बीच में, तो मतलब अगर हम इसका सक्सेसफुल रेट देखें तो वो कहीं ना कहीं कम है अभी भी। हाँ सक्सेस रेट इतना ही है जी, ये कभी कभी तो ऐसा लगता है सब कुछ भगवान के ऊपर ही है, नो मैटर हाउ मच वी माइट ट्राई कि वी हैव reached God and we are up to God, no, but God is far more greater than us. He has allowed to give us only 35%. जी जी, बहुत सही कहा डॉक्टर आपने। अच्छा डॉक्टर एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि कितना सक्सेसफुल जैसे है ये अभी यहाँ पे कम सक्सेसफुल है, तो क्या अगर मान लीजिए हम बात करें चंडीगढ़ की, क्योंकि हम आज चंडीगढ़ में बैठकर बात कर रहे हैं, तो क्या चंडीगढ़ में जैसे आप लोग कितने केसेस इसके ऐसे देखते हैं या कितना सही रहता है ये? नहीं, वी हैव लॉट मोर पेशेंट्स इन द फैक्ट कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत है जी, प्लस लेट एज ऑफ मैरिजेस ये एक इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि रीसेंट टाइम्स में हो रहा है, बिकॉज जो फर्टिलिटी रेट एट द एज ऑफ 18-25 ईयर्स इज यू वोंट बिलीव इट वेरी हाई फर्टिलिटी 80%। ओके ठीक है, तब भगवान देता ना 80% आपको। हाँ जी, 25 साल के बाद 30 साल के बाद भी आपकी 65-70 तक रहती है, बट आफ्टर 30 इट ड्रॉप्स डाउन ड्रास्टिकली टू 35। ओके, पैसे भी नॉर्मल भी, तो अब 35 तो फर्टिलिटी भगवान ने कर दिया आपकी जी, जी। उसके बाद जो IVF हमारी टेक्निक्स है उसमें भी 35 है, तो वी नॉट मच अश्योरेंस कैन बी गिवन बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट कि आप 100% कंसीव कर जाओगे, और पेशेंट्स बिफोर स्पेंडिंग सो मच इन, बिकॉज सारा कुछ ही आर्टिफिशियल कंडीशंस में हो रहा है, जो टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है IVF लैब का, वो भी एक सेट टेम्परेचर होता है कि आपने इतना टेम्परेचर IVF लैब में मेंटेन करना, और एक डर्ट का आप मानोगे उसमें एक छोटा सा तिनका भी डर्ट का नहीं जाना चाहिए, फिर जाके वो सक्सेसफुल, एक डर्ट का भी तिनका आ जाता है उसमें डिशेस में या वो कंटेमिनेशन आ जाए तो वो कंसीव नहीं हो पाता। ओके, तो मतलब ये बहुत ही नाजुक चीज है, बहुत ही ध्यान से। ओनली इन PGI वी हैव द IVF लैब जहाँ पे नॉट डोनर, जो स्ट्रेट आपका दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो डोनर इंसेमिनेशन होती है, एक अपना ही सीमन देना होता है, ओनली अपने जो सीमन देते हैं उनका ही IVF करते हैं वो। okay. तो दैट इज गोइंग आउट ऑन फुली AC लैब होती हैं, 24 घंटे AC चलते रहना होता है और कोई डर्ट नहीं पहना, जो पर्सनल डॉक्टर ही उसको क्लीन करते हैं लैब को, कि वहाँ पे क्लीनर भी नहीं दूसरा मतलब जा सकता है, मतलब कितने सो मच आइडियल कंडीशंस रखनी होती हैं, फिर जाके वो IVF रेट लैब्स का रेट कुछ पड़ता है जी जी। बट आई वांट टू टेल मैनी पीपल दैट वी PGI पीपल हैव द IVF लैब वर्किंग वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव जी जी। तो जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए इसके लिए जाना है, यानी कि IVF के लिए अगर आपने जाना है, तो PGI एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप PGI में कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपने एक चीज़ और बताई कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, अगर मान लीजिए क्योंकि इसका सक्सेसफुल रेट बहुत कम है तो कॉम्प्लिकेशंस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती हैं इसकी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको 100% नहीं 100% तो है ही नहीं ना, 35 30 35 ही है,
25 तक ही रहता है जी, तो वो तो अबॉर्ट हो जाता है ना जी। एंड आई थिंक जैसे आप ये भी कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए मैरिजेस का जो टाइम है वो एक टाइम तक या एक एज तक रखना चाहिए, अगर आप ज्यादा डिले कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक आई एम श्योर हमारी जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही है, टाइमली हर चीज अच्छी लगती है। अगर आपको मैरिज भी करवाना है तो टाइमली करवाइए, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। एंड आई एम श्योर कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप करियर की तरफ भी ज्यादा रुख करती हैं, बहुत अच्छी बात है कि करियर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ का भी जरा ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें केयर की, मान लीजिए जो एक तो नॉर्मल कंसीव करती है महिला और एक मान लीजिए IVF से करती है, तो क्या दोनों का जो केयर का जो टाइम होता है जो 9 months होते हैं वो दोनों का सेम रहता है या IVF के वक्त पहले ज्यादा तो जो IVF जब स्टार्ट करते हैं तब भी काफी हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है माँ को भी, ताकि वो आर्टिफिशियली, सारा कुछ आर्टिफिशियल होता है, हार्मोन्स भी अंदर आर्टिफिशियल है, तो काफी हाई डोज में हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि जहाँ पे वो बच्चे ने लगना है या ग्रो करना शुरू करना वो आइडियल बेड हो ताकि उसके ऊपर ग्रो कर सकेगा। एकदम सूखा हुआ बेड हो, कुछ ना हो, तो वहाँ पे कहाँ एम्ब्रियो लगेगा। तो काफी अच्छा बेड क्रिएट किया जाता है कि वहाँ पे टिक जाए, तो वो बेड क्रिएट करने में भी काफी मशक्कत लगती है जी। और कुछ पेशेंट के अपने भी अंदर से हार्मोन्स हेल्प करते हैं, और फिर जब टिक जाता है फिर हमें होता है कि देखो पेशेंट ने इतना सारा पैसा लगाया है, ही स्पेंड सो मच, दो इन IVF इन PGI कॉस्टिंग ओनली 30,000 to 40,000, बट बाहर उसका रेट काफी है, मे बी 1.5 to 2.5 lakhs, अराउंड 4 lakhs, तो ये डिफरेंस तो है ना जी जी। तो उसमें फिर वन डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट मनी और एफर्ट, और फिर डिसहार्टेंड हो जाता है पेशेंट, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है कि हमारा कंसीव हो जाएगा, तो फिर then artificial hormones are given so that कोई abortion ना हो, कोई तकलीफ baby को ना हो, so grow हो जाए, 1-3 months तक grow हो जाता है जी। तब तक bed rest भी देते हैं, hormones भी देते हैं, तो उसके बाद तो normal जो complications पेशेंट को दूसरों को आती है वो ही आ सकती हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल अपना केयर करें जैसे नॉर्मली करते हैं। हाँ, डिलीवरी के टाइम में ऐसे होता है कि जो डिलीवरी का टाइम होता है तो फिर सारे यानी एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि बेबी को कुछ ना हो, और इतनी मुश्किल से कंसीव किया है तो दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, सो इट मे एंड अप इन मोर सीजेरियन रेट जी। डॉक्टर, एक चीज और, क्या एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है कि मतलब क्या ऐसा भी कुछ रहता है? नॉर्मली ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही करने के ज्यादा प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा होता है, दो दे पीपल जो आफ्टर द मीनोपॉज भी करवाते हैं फॉर सम रीजन टुगेदर, कि दे स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग, दे कांट हैव द बेड, हॉर्मोन्स का बेड नहीं हो सकता, बट स्टिल फॉर सम रीजन कि उनके कईयों की बेबी की डेथ हो गई है, इस तरह की प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर उनमें फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लेस, बट स्टिल वो still, एक ट्राई कर सकते हैं। There have been many instances जहां पे हो गया। जी, I think उनको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट वो ट्राई कर सकते हैं। पर मैं सोचती हूँ पर्सनली दे कैन गो इन फॉर सरोगेसी। ओके, आई थिंक इस ऑप्शन में सरोगेसी जा सकते हैं। फिर वो इतनी एट द 60 इयर्स शी बियर्स अ चाइल्ड, एंड आई थिंक फिर दूसरी बियर भी कर लेगी, तो एक्चुअली वो एस्पेक्ट्स होते हैं कि इतनी उम्र में आप बच्चा भी करोगे तो कब उसको जवान होते देखोगे, आप देख भी पाओगे, कि व्हाट्स द फन इन हैविंग, बट देयर स्टिल पीपल, एवरी काइंड ऑफ पीपल इस प्लेनेट पे है, हर एक तरह का फूल उगता है ना जी जी, तो हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है, सो फिर डॉक्टर्स फिर कई जगह ख्वाहिश के भी पाबंद हो जाते हैं, वी कांट हैव ऑल द एज कि ऐसी करना ऐसी वो रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए नॉर्मल एज में भी अगर हम IVF के लिए जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सिजेरियन भी करना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए मेनोपॉज के बाद अगर वो जाते हैं तो हाई रिस्क पेशेंट्स हो जाते हैं, उनके अपने शरीर को भी ज्यादा खतरा होता है, तो इसलिए दैट इज माय पर्सनल डिसीजन दो पेशेंट में, बिकॉज यू हैव मच मोर ऑप्शन, आप कोई पेशेंट को रेंट आउट रूम में मिल जाता है तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। आप मानोगे नहीं, आई हैव बीन गोइंग थ्रू विलेजेस, अभी रिसेंटली भी गई थी, तो देयर सो मेनी फीमेल्स फ्रॉम द लोअर सेक्शन, मिडिल इनकम सेक्शन, हु आर डोनेटिंग देयर एग्स और डोनेटिंग देयर स्पर्म्स फॉर दीज IVF क्लिनिक्स, एंड दे डू इट ऑन, सबको इतना अवेयर है कि दे आर गिविंग सो मच, दे आर गिविंग सो मच, एंड आई हैव माई पेशेंट जो शी उसका बेबी, शी अडॉप्टेड सम बॉय एंड
that boy is not carrying on with her, and she now wants at the age of 62 she wants to have another child. And she's वो females को ना उसने गांव से किसी और गांव से बुलाया है कि मुझे egg दे दो. Okay, मतलब I think doctor इस बात से तो ऐसा ही लगता है कि महिलाएं आजकल इस बात को लेके बहुत aware हैं. हाँ, egg दे दो मुझे, और वो egg देती हैं, उनको पता होता है कि हम egg दे देंगे, इतने इतना money हमें मिलेगा. So it's very comfortable for them. And मेरे को ऐसा लगता है कि इट में रेड लाइट एरियाज जैसे होते हैं और वो एरियाज थोड़े कम हो जाए, बिकॉज जो मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से जो लोग इस धंधे में पड़ते हैं, दे कैन हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. जी, एंड आई थिंक इसको बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस नहीं बनाना चाहिए इसको. वही चीज हम जैसे हमने पहले भी बात की, इसको कभी भी नेगेटिव साइड में ना लेके जाए. इट इज ओनली अ वे टू कैरी आउट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम सम, कहते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए हम ये चीज करवाते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप इसको एज अ बिजनेस बना देंगे कि आप सिर्फ पैसे के लिए आपने ये चीजें करनी है, तो वो कहीं ना कहीं फिर गलत दिशा में चला जाता. हाँ, है वो तो जाता ही है फिर. देश में बहुत कुछ होता है. हाँ, जी, सो मेनी एस्पेक्ट्स. कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई प्यार के लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है. जी डॉक्टर, तो जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, कि जैसा भी डॉक्टर स्वप्नजीत ने बताया कि जैसे वो बाहर भी सर्वे के लिए जब वो गई तब भी उन्होंने ऐसा चीजें देखी. देखिए दोस्तों, हर चीज के लिए अगर आप किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो उस चीज को पॉजिटिवली लें, पॉजिटिव ही चीजें देखें. अगर आप उस चीज को नेगेटिव लेने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत दिशाओं में चला जाता है. हैरान होती हूँ लोग कास्ट ग्रेड पर इतना ज्यादा वहम करते हैं और इतना ज्यादा इश्यू बनाते हैं. तो मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि एग्स आर बीइंग डोनेटेड बाय दोज पीपल हु यू डिसफेवर देम, कि ये इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के सारे एग्स तो उनसे आ रहे हैं. अब फिर आप ये चीजें नहीं सोचते हैं उस वक्त, उस वक्त उनको लगता है कि बस हमें एग्स मिल जाएं. yes. लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए तो प्यार तो वो हो गया ना. हाँ जी यार, लेकिन देखिए मैम, अगर वो चीज वही लोग अगर सामने से आ रहे हैं तो आप उनसे कितना हेल्प कर रहे हैं. हाँ, आप उनको कितना, वो लोग हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं बाय गिविंग देयर ओन एग्स टू अस, है ना. कितने वेल ऑफ पीपल अपने एग्स दे रहे हैं जी, इतना मैं दे पाई हूँ किसी को. सही बात है. ठीक है जी. जी डॉक्टर, तो ओनली दोज पीपल आर गिविंग देयर एग्स. आई थिंक ये बहुत एक नाजुक स्थिति है. हाँ, और आई थिंक हमें कभी भी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए. अगर मान लीजिए कोई आपकी इतनी बड़ी मदद कर रहा है, आपको इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, तो आपको भी उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए, ना कि आप उनको देखते ही दूर हट जाए. हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि कास्ट का तो कोई सवाल ही, दो क्लीनलीनेस का सवाल होता है, कोई साफ नहीं है, कोई कुछ है, वो अलग एस्पेक्ट होते हैं. बट कास्ट की वजह से आप किसी से वो करो और एग्स भी वो दे रहे हैं, यू हैविंग देयर बेबीज, कम ऑन, मतलब इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. तो दोस्तों देखिए, कभी भी किसी से भेदभाव मत कीजिए, सभी इंसान हैं, सभी IVF में तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे. और डॉक्टर कहते हैं कि भगवान ने सबको एक बनाया है, तो हमें सबको उसी नजरिए से देखना चाहिए, उसी नजर से देखना चाहिए, ना कि किसी जाति को लेकर या किसी देश को लेकर. सब हमारे लिए एक है. IVF में आप मानोगे नहीं, जो सीमन हम स्टोर करते हैं, हम सिर्फ कलर पे या आई कलर पे, सिर्फ इस पे होता है. There is no caste. We don't have any caste there, no. So जो लोग IVF में आते हैं, मेरे को यही नहीं पता रहता कि यूँ के देखो ये IVF में ये होता है, अपने भी हो सकते हैं, सीमन अपना भी होता है. जिनको एग्स नहीं बन रहे किसी वजह से, तो उनको फिर हम डोनेशन से देते हैं. जी जी, ठीक है. और जिनके सीमन अपना नहीं बन रहा है, एंड वो फिर अपने फ्रेंड्स या अपने नोन के सीमन वो लेना नहीं चाहते अपने फ्रेंड्स, उनको होता है अपने सर्कल में पता लगेगा, तो दे टेक इट सीमन डोनेटेड फ्रॉम समबडी एल्स. एंड आई थिंक Only the color part. जी जी जी. तो दोस्तों देखिए, इस चीज को आप नेगेटिव मत लीजिए. अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो उसको पॉजिटिव लीजिए. हमने पहले भी ये बात बोली थी, दोबारा ये बात दोहरा रहे हैं. कितने अमीर लोगों ने अपने सीमन डोनेट किया है मुझे बताओ. आई थिंक बहुत ही कम, या फिर हमें पता भी नहीं चलता है बहुत बार ऐसा होता भी होगा. तो मेरे को नहीं होता कि आज रेडियो से हम कह रहे हैं कितने अमीरों ने डोनेट किया है, या कितने, सब गरीब लोगों के ही है जो आप लोअर कास्ट, जिनको आप शन करते हो सोसाइटी में, दे आर डोनेटिंग. एंड आई थिंक डॉक्टर, एंड यू आर कैरिंग दिस जी टू योर होम. आई थिंक डॉक्टर, ये जो चीज आप बता रहे हैं, ये हम एक संदेश के माध्यम से लेना चाहेंगे. जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये चीजें आई थिंक इतनी ज्यादा, जैसे आपने कहा कि बढ़ती जा रही हैं, और आई थिंक उन लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है जिनको इस फैसिलिटी का यूज करने को मिल रहा है. तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ऐसा है कि इन सच ए गुड सोसाइटी, जहाँ पे इस जमाने में भगवान ने इतने सारे टेक्निक्स आपके लिए बना दिए हैं, इंसान को इतना काबिल बना दिया है कि वो टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं. सो वन मस्ट ऑलवेज गिव अ ट्राई. जो अपना बच्चा करना चाहते हैं तो दे कैन गो इन फॉर सो मेनी ऑप्शंस लाइक IVF.
दो इट इज कॉस्टली बट यू हैव द ऑप्शंस जी विद यू एंड इट शुड बी डन. मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जब लगे रहते हो आप इनफर्टिलिटी होती है यू कांट बियर चाइल्ड फॉर सम रीजन इट शुड डिसीजन शुड बी टेकन लिटिल बिट अर्ली सो दैट लेट एजेस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं IVF में वो ना आए. जी देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस IVF के लिए जा सकते हैं लेकिन कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें और सभी के साथ प्रेम से बात करें और सबको बराबर रखें.